हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये जो तीन बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद आप जानते होंगे, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए हूँ। अक्सर सबके जीवन में गलतियाँ होती रहती हैं, सबसे पाप हो जाती है, क्योंकि हम जो आदम की संतान हैं, हमारे अंदर पाप का स्वभाव है। भले ही हमारा उद्धार हो चुका है, हम परमेश्वर की नज़र में पवित्र ठहराए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, है ना। लेकिन हम इन गलतियों को कभी भी सीरियस में नहीं लेते हैं, हम परमेश्वर से कभी भी उन गलतियों का क्षमा नहीं मांगते हैं। मेरे प्रियो, एक सच्चा मसीह वही होता है जो परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपने पापों की क्षमा मांगे, चाहे वो गलती जाने में हो या अनजाने में हो, ठीक है ना। तो वो आज का पहला पाप है मेरे प्रियो, घमंड। इसके बारे में आप जरूर जाने होंगे कि घमंड एक ऐसा पाप है जो कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं। कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो वो अपनी पढ़ाई पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड करता है ना। लेकिन क्या आप ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कह सकते हैं? जो व्यक्ति एक बहुत ही इंटेलिजेंट हो, जो बहुत ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर बुराइयां हो, वो व्यक्ति पाप पर पाप करता जाता हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप एक बुद्धिमान व्यक्ति कह सकते हैं? यिर्मयाह अध्याय 9 के 23 में प्रभु का वचन कहता है, यहोवा यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, है ना। क्या कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करता है। इस दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इन सब का बारी बारी अध्ययन करने चले तो शायद उसका पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन वो अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो भाई, किस बात का घमंड करते हो? इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि एक बुद्धिमान को अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए, न वीर को अपनी वीरता पर, और न धनी को अपने धन पर घमंड करना चाहिए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे पर, अपने प्रॉपर्टी पर घमंड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं। कुछ लोगों के पास तो इतनी सारी ज़मीनें हैं कि सालों उसमें काम होते रहते हैं, लेकिन कभी काम खत्म नहीं हो पाते। और कुछ लोगों के पास तो रहने के लिए, खड़े होने के लिए भी ज़मीन नहीं है। तो कभी भी किसी व्यक्ति को अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। आगे वचन कहता है, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। मतलब ये कि आप इस प्रभु के वचन पर घमंड करिए भाई। आप जितना ही इस वचन में घुसेंगे, इसके अंदर जाएंगे, उतना ही प्रभु के बारे में जानेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। आगे लिखा है कि मैं ही यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। तो मेरे प्रियो, कहने का क्या अर्थ है कि एक व्यक्ति जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, उसको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे अपने धन पर या फिर किसी भी वस्तु पर। अगर इस तरीके से आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर से कुछ भी मांगेंगे, तो परमेश्वर शायद आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो चीज है ना, आप उसी पर तो घमंड कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर आपको कैसे देगा, आपकी प्रार्थनाओं को क्यों सुनेगा। तो आप किसी भी चीज पर घमंड ना करें, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, भावनात्मक होकर प्रार्थना करना। आप जानते होंगे कि हम जब भावुक होकर परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी इमोशनल सीन देखकर, हमारे रोते हुए चेहरे देखकर, आंसू देखकर, परमेश्वर कभी भी हमें वो चीज़ नहीं देता है और ना ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्योंकि सच्चाई यही है कि हमारे दिल में जो होता है, हमारे मन से जो आवाज़ निकलता है, परमेश्वर वो सुनना चाहता है ना। जैसा कि आप देखते होंगे आजकल कि चर्चों में क्या होता है, लोग चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर उनकी और अधिक सुने। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो नाच नाच कर, कूद कूद कर प्रार्थना करते हैं। वो दिखाते हैं लोगों को ताकि मैं बहुत ही आत्मिक हूँ, मैं स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, है ना। बहुत सारे लोग रोते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि प्रार्थना करते टाइम नहीं रोना चाहिए। बहुत सारे लोगों के हृदय में जो पीड़ा होता है, जो दर्द होता है, जब वो सोचते हैं, परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो आंखों से आंसू आ जाते हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिखावा करते हैं ताकि लोगों को अधिक अगल बगल के लोग जाने कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आप जानते होंगे लूका 18 में जो फारिसी और चुंगी प्रार्थना कर रहे थे। फारिसी कहता है कि प्रभु मैं तुझे दान दशमांश देता हूँ, मैं सारे अच्छे अच्छे काम करता हूँ, लेकिन कभी भी उसने परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को नहीं माना, पश्चाताप नहीं किया। उसी के बगल में जो चुंगी लेने वाला था वो परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करता है कि हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस एक ही चीज जानता हूँ कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ और मुझे बदलने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा कि इसी के पाप क्षमाओगे जो चुंगी लेने वाला था। तो मेरे प्रियो, आप उस फारिसी की तरह दिखावा मत करिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना तो आपके अंदर ही रह जाती है, परमेश्वर तक तो आपकी प्रार्थना पहुंचती ही नहीं है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कैसे सुनेगा। हम जब पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 6:5-6 में, तो यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहे पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। आज वही तो हो रहा है चर्चों में। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कभी भी किसी टाइम प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हम गाड़ी चला रहे होते हैं, रास्ते में पैदल चल रहे होते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं, तब भी परमेश्वर से हमारा मन जुड़ा होता है। हम उस टाइम भी परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या जरूरत है। इसीलिए प्रभु कहता है कि परमेश्वर तो हमारे मन की बात पहले से ही जानता है कि मुझे क्या जरूरत है, ठीक है ना। आगे लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, उनको मिल गया जो मिलना था, अब परमेश्वर से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जब इसी लाइन में हम 7वें वचन में पढ़ते हैं, तो यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुन ली जाएगी। मेरे प्रियो, मैंने जो बताया ना आपको कि आप भावुक होकर, भावना में आकर, ज्यादा इमोशनल होकर प्रार्थना ना कर, क्योंकि ऐसे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। भावना जो होता है कभी सत्य नहीं होता है, हालांकि भावना जो है सच्चाई को दबा देता है। आपके दिल से जो सच निकलता है वही परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो कि परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा ना करना, यानी कि कुछ लोगों के मन में संदेह होता है। मेरे प्रियो, जहाँ परमेश्वर नहीं वहाँ किसका वास होता है, शैतान का वास होता है। हमारे अंदर यदि परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, तो शैतान नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर परमेश्वर है। लेकिन यदि हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है तो हमारे अंदर कौन है। उसी तरीके से जैसे परमेश्वर इसराइलियों को कहता है, जब हम पढ़ते हैं 2 राजा अध्याय 18:21 में, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, सुन तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है, उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुपकर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है। मेरे प्रियो, हमारे भी जीवन में शैतान हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए, हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए संदेह पर संदेह डालते रहता है, ताकि हम प्रभु को न जानने पाए, प्रभु के राज को न जानने पाए। भजन संहिता 5:11 में लिखा है, परंतु जितने तुझमें शरण लेते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझमें प्रफुल्लित हों, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको ढाल के समान अपनी कृपा से घेरे रहेगा। मेरे प्रियो, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति परमेश्वर से दूर गया है वो हमेशा रोया है, तड़पा है, उसको हमेशा कुछ न कुछ परेशानियाँ हुई हैं। लेकिन हम जब भी परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारे आंसू पोंछ देता है और हमें अंदर से एक एनर्जी देता है, हमें जीना सिखाता है, हमें नया रास्ता बताता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप परमेश्वर पर हमेशा डिपेंड रहना सीखें। किसी इंसान पर भरोसा न करते हुए आप परमेश्वर पर भरोसा करिए, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।